दोस्तों यदि आपको लगता है कि भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया की टीम को भी हरा देगी तो इस वीडियो को लाइक कर दो। ऑस्ट्रेलियाई टीम के भारत दौरे पर होने वाली वनडे और T20 सीरीज के लिए टीम की घोषणा कर दी गई है। जेम्स फॉकनर की वापसी हुई है, वहीं मिचेल स्टॉक को आराम दिया गया है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में खेलने वाली टीम में से 5 खिलाड़ियों को बाहर कर दिया गया है। मोइसेस हेनरिक्स, क्रिस लिन, जॉन हेस्टिंग्स, जेम्स पैटिनसन और मिचेल स्टॉक चैंपियंस ट्रॉफी में खेलने वाले खिलाड़ी हैं, जिन्हें भारत दौरे के लिए टीम का हिस्सा नहीं बनाया गया है। फॉकनर और नाथन कुल्टर नाइल को टीम में शामिल किया गया है। गौरतलब है कि 2015 में विश्व कप जीतने वाली कंगारू टीम में जेम्स फॉकनर भी थे। इस वर्ष चैंपियंस ट्रॉफी के लिए उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया था, लेकिन भारत में उनके अनुभव को देखते हुए वापस बुलाया गया है। नाइल और फॉकनर दोनों IPL में खेलते हैं और इसी का फायदा उन्हें मिला है। वनडे और T20 दोनों सीरीज के लिए स्टीव स्मिथ टीम की कप्तानी करेंगे। डेविड वॉर्नर और ग्लेन मैक्सवेल को दोनों प्रारूप के लिए जगह मिली है। डैन क्रिश्चियन और टिम पेन के साथ जेसन बेरेंड्रोफ को T20 की टीम में शामिल किया गया है। केन रिचर्डसन और जोश हेजलवुड को वनडे में जगह मिली है, लेकिन T20 के लिए चुना गया है। सितंबर और अक्टूबर में ऑस्ट्रेलियाई टीम भारत में 5 वनडे और 3 T20 मैच खेलेगी। इससे पहले स्मिथ की कप्तानी वाली कंगारू टीम बांग्लादेश में 2 टेस्ट मैच खेलेगी। भारतीय टीम भी फिलहाल श्रीलंका दौरे पर है। ऑस्ट्रेलिया वनडे टीम स्टीव स्मिथ कप्तान, डेविड वॉर्नर, एश्टन एगर, हिल्टन कार्टराइट, नाथन कुल्टर नाइल, पैट कमिंस, जेम्स फॉकनर, आरोन फिंच, जोश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस, मैथ्यू वेट, एडम जेम्पा। ऑस्ट्रेलिया T20 टीम स्टीव स्मिथ कप्तान, डेविड वॉर्नर, जेसन बेरेंड्रोफ, डैन क्रिश्चियन, नाथन कुल्टर नाइल, पैट कमिंस, आरोन फिंच, ट्रेविस हेड, मोइसेस हेनरिक्स, ग्लेन मैक्सवेल, टिम पेन, केन रिचर्डसन, एडम जेम्पा।